हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं IBPS RRBPO जो मेंस हुआ है कल, उसको लेकर थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज देख लेंगे लास्ट ईयर की वैकेंसीज, इस साल के वैकेंसीज कट ऑफ लास्ट ईयर का और इस साल का क्या रह सकता है। तो आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश की लास्ट ईयर वैकेंसी 66 थी और एक जो बैंक थी उसने रिपोर्ट नहीं करी थी, तब कट ऑफ 76 था। इस बार पेपर का लेवल जो था उसको ध्यान में रखते हुए और उन सबको कंसिडरिंग करते हुए तो इसका कट ऑफ जो रह सकता है 76 प्लस माइनस 2, तो 76 प्लस माइनस 2 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर असम की बात कर लेते हैं तो असम में जो इस साल वैकेंसीज है 60 है और लास्ट ईयर थी 49, लास्ट ईयर कट ऑफ था 72 और इस बार शायद असम का इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ भी थोड़ा सा कम गया है। तो असम की जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से देखा जाए तो 74 प्लस माइनस 2 के आसपास रहने का चांस है। बिहार, तो बिहार में लास्ट टाइम 107 वैकेंसीज थी, 77 कट ऑफ था। इस बार बिहार से काफ़ी सारी वैकेंसीज हटा ली गई है, ओनली 53 वैकेंसीज बची हैं। तो बिहार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 80 प्लस माइनस 2, 78 से लेकर 82 के बीच में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में शायद वैकेंसीज ऐड हुई है जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले जहाँ तक मुझे पता चला है। तो 50 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस बार जो अभी तक रिपोर्टेड बताई गई है 30 है, बाकी बाद में ऐड होती है तो आपको पता है कि फिर वो बताते नहीं, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट में पता चलता है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 75.50, इस बार 73 प्लस माइनस 2, 73 के अप्रॉक्स ही रहने के चांसेस हैं। गुजरात की बात कर ले तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 98 और कट ऑफ था 56। 56 इसलिए था क्योंकि जो वैकेंसीज स्क्रैप करी थी उसके बाद उन्होंने क्या करा था, प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद ऐड कर दी थी, तो उसके बाद ये कट ऑफ था 56 और अभी भी वही हुआ है कि ओनली 12 वैकेंसीज के ऊपर प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला है और काफ़ी हद तक चांसेस है कि कोर्ट केस से कुछ आउटकम निकल सकता है। तो उस आउटकम के बाद अगर हम बात करें तो कट ऑफ अराउंड मेरे हिसाब से 70 प्लस माइनस 2 रहेगा अगर वैकेंसीज ऐड भी होती है तब भी, और लेकिन अगर कैंडिडेट्स को रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब ये कट ऑफ एज पर दी जैसे लास्ट ईयर था सेम उसके आसपास ही रहने के चांसेस है, 55 या 52 जो भी 53 उस तरफ से अगर नहीं होता है तो 77 प्लस माइनस 2 और 12 वैकेंसीज पर 77 के आसपास रहने के चांसेस हैं। फिर हरियाणा की बात करें तो 23 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, 91 कट ऑफ था, 53 है इस बार, तो जो कट ऑफ है वो 84 प्लस माइनस 2 रहने के चांसेस हैं क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी है और 84 के आसपास ही रहेगा वो। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 16 वैकेंसीज थी, 88 कट ऑफ था, इस बार 27 है, तो इस बार भी जो कट ऑफ है 88 के अराउंड ही रहने वाले चांसेस हैं क्योंकि जो रीजनिंग का सेक्शन है थोड़ा सा इजी आ गया था, तो आपको पता है कंप्यूटर 0.50 से मल्टीप्लाई होता है और कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ्स जो होता है वो 1.25 से होता है। रीजनिंग थोड़ी सी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से ईजी आ गई थी, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा सा ड्यूएबल भी था लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो 8-9 क्वेश्चन इजीली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बने थे ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं, इजी नहीं बोल रहा हूँ, ऑन एवरेज। उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट भी मॉडरेट ही थे, करने लायक थे, तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताया। अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल की हो गई, जम्मू कश्मीर की, तो 25 वैकेंसीज थी, 89 कट ऑफ था, 31 वैकेंसी है, 90 प्लस माइनस 2, 88 से लेकर 92 के बीच में रहेगा। झारखंड की बात कर लेते हैं तो 22 वैकेंसीज थी, 82 कट ऑफ था, 31 है, 83 प्लस माइनस 2, 83 के अराउंड ही रहेगा वो। MP की 87 वैकेंसीज थी और 77, ये सब जितनी भी वैकेंसीज हैं ये जनरल की है, तो 87 वैकेंसीज थी MP की, 77 कट ऑफ था और इस बार 79 है, तो कट ऑफ 81 प्लस माइनस और ज़्यादा जहाँ तक चांसेस 81.50 के आसपास ही रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो 92 वैकेंसीज थी, 73 कट ऑफ था, इस बार 70 है और एक बैंक ने शायद नॉट रिपोर्ट करा है, तो उसके हिसाब से 75 प्लस माइनस 2, अगर बैंक रिपोर्ट कर देगा तो 70 प्लस माइनस 2 के आसपास जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर रिपोर्ट नहीं करता तो 75 के अराउंड रहेगा। उड़ीसा की बात कर ले, 10 वैकेंसीज थी, 85 था, इस बार 49 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ 74 प्लस माइनस 2 के चांसेस हैं।
पंजाब के 40 वैकेंसीज थी, 92 कट ऑफ था, इस बार 34 है, 93 प्लस माइनस 2 रहने का चांसेस है। राजस्थान की 102 थी, 47 कट ऑफ था, ये मेंस का बता रहा हूँ, प्रीलिम्स नहीं है, 47 इसलिए गया था, आपको पता है वैकेंसीज स्क्रैप कर ली थी, इस बार भी वही है। जैसा कि मैंने गुजरात में बताया, ऐसे मैं राजस्थान के बताऊँगा, अगर कैंडिडेट को चांस मिलता है तो कट ऑफ यहाँ पर 73 के अराउंड, 73 प्लस माइनस 2 रहेगा अगर रिवाइज रिजल्ट आता है और वो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद का। अगर नहीं आता है तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसीज ऐड कर लेता है और चांस नहीं देता है तो यहाँ का कट ऑफ अराउंड लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगा, 46-47। लेकिन अगर दोनों ही चांस नहीं होते तो 80 प्लस माइनस 2 अगर वैकेंसीज ऐड नहीं करता है और रिवाइज रिजल्ट भी नहीं आता है तो 80 प्लस माइनस 2, क्योंकि ओनली 10-11 वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की, तो 30 वैकेंसीज थी, 81 कट ऑफ था, इस बार 72 वैकेंसीज है, 73 प्लस माइनस 2 के चांसेस है तमिलनाडु में, ये जनरल का है सारा कट ऑफ। तेलंगाना की 49 वैकेंसीज थी, 70 कट ऑफ था, इस बार 39 है, 75 प्लस माइनस 2 कट ऑफ रहेगा। यूपी की 726 थी और कट ऑफ था 70, और यहाँ पर वैकेंसीज, ये 70 उस समय का है जब वैकेंसीज ऐड कर ली थी उसके बाद 70 गया था, इस बार वैकेंसीज ऐड नहीं करी है तो कुछ समथिंग ज़्यादा वैकेंसीज बची नहीं है, 200-300 वैकेंसीज आसपास बची है। तो यूपी का कट ऑफ 78 प्लस माइनस 2 रहने का चांसेस है, 76 का अराउंड ही रहेगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात कर ले तो 89 वैकेंसीज थी, 80 कट ऑफ था, 93 वैकेंसीज है, तो 78 से लेके 81 के बीच में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट बंगाल के। तो ये था मेरा कट ऑफ को लेकर ओवरव्यू, कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है, मैंने सारा डिफ़िकल्टी लेवल को इसके अंदर रखा है। अब ज़्यादा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको बता दूं मैंने रीजनिंग का लेवल भी रखा है इसके अंदर, मैथ्स को भी देखा है, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को रखा है, क्योंकि दोनों का एवरेज अटेम्प्ट देखा जाता है, हिंदी का 18 हो रहा है और इंग्लिश का 21 के अप्रॉक्स हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ पूरा एक तरीके से आपके सामने ब्रीफ डिस्कशन में रखा है। तो यह था एक वीडियो कट ऑफ को लेकर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।